नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर प्रादेशिक और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चौहान। बुलेटिन शुरुआत करते हैं। भिवानी में अपनी मांगों को लेकर सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर उपायुक्त कार्यालय पर पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन कर सरकार प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल संघ कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, समान काम समान वेतन, डीसी रेट में वृद्धि करवाने, हटाए गए प्रेरकों को वापस सेवा में लेने, पंजाब के समान वेतनमान, पुरानी पेंशन प्रणाली लागू करने सहित 21 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि उन्होंने धारा 144 की धज्जियां उड़ाते हुए उपायुक्त कार्यालय का घेराव भी किया। वहीं कर्मचारियों के गुस्से को भांपते हुए उपायुक्त ने 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल को वार्ता के लिए आमंत्रित किया। मैं सुखदर्शन सर्व कर्मचारी संघ का जिला सेक्रेटरी, आज का जो हमारा धरना है जिला उपायुक्त कार्यालय पर सर्व कर्मचारी संघ राज्य कमेटी के आह्वान पर सुबह 10 से लेकर 2 बजे तक का प्रोग्राम है हमारा। और अभी हमें उपायुक्त महोदय से हमारा सर्व कर्मचारी संघ का 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल अपनी मांग और मुद्दों को लेकर मिला है। और जो मुख्य मांग थी हमारे जो कच्चे कर्मचारियों का मतलब डीसी रेट निर्धारित करवाना है उसका हमारा एजेंडा था। दूसरा जो समान काम समान वेतन का जो मामला है वो भी लागू करवाने की बात थी। और तीसरा जो प्रेरक साथी जो हटा दिए हैं उनका मांग पत्र भी हमारे साथ जोड़ते हुए हमारे साथ मतलब साथी मिलने के लिए गए हैं और उनका मांग पत्र भी दिया है। दूसरा, उपायुक्त महोदय ने हमें विश्वास दिलाया कि कल शाम को 3 बजे जो आपका जो डीसी रेट है उसको निर्धारित करने के लिए कमेटी बना दी गई है और कल 3 बजे आपको रिपोर्ट कर देगी। और जो दूसरे जिलों में जो डीसी रेट है उनका पत्र भी हम देखकर और भिवानी के जो कच्चे कर्मचारियों का डीसी रेट उनके बराबर कर दिया जाएगा, ये आश्वासन उपायुक्त महोदय ने दिया है। और कल शाम को 3 बजे हमें बुलाया है।